हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नसीमा शेख एंड यू वाचिंग हसू बेबी एंड व्लॉग। तो आज का व्लॉग है मदर्स डे स्पेशल। हम सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं ढाबा। तो यहाँ हम सीएनजी की लाइन में खड़े हैं और आमिर सो रहे हैं क्योंकि उनको बहुत थकान हो गई है। वो जॉब से आए थे, उनको नींद नहीं मिली और वो सो रहे हैं। तो यहाँ पास में ही सीएनजी पंप के मैकडी थी, तो यहाँ हम वीडियो और फोटो क्लिक करने के लिए आए हैं। तो यहाँ अंजुम बोल रही है कि ये चचा कौन है पता नहीं, मैं बस फ़ोटो खिंचाने के लिए आ गई। अगर आपको पता है कि ये कौन है तो प्लीज़ मुझे भी बताइए। अशु तेरे अब्बा चालू रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग ढाबा जा रहे हैं, तो विदाउट केक सेलिब्रेशन कैसे होगा। तो यहाँ से हम लोग केक ले रहे हैं, रास्ते में हम लोग को शॉप दिख गई, तो ये ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं कैश का अरेंजमेंट करके वापस से आई केक लेने के लिए। तो फाइनली हम ढाबा पहुंच चुके हैं। तो इस बार उन्होंने फुल ढाबा रिनोवेशन किया है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इतना कुछ खास नहीं था, बस हम खाना टेस्टी है इधर का इस वजह से आते थे, बट अभी फ़ोटोज़ खींचने के लिए इतना कुछ मतलब बनाया है कि बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत लाइटिंग वगैरह प्यारा लग रहा है। यहाँ देखो शादी के साइड इफेक्ट। कब से उसकी वीडियो फोटो लिए जा रहा है, कैमरा मैन बन के रह गया है। यही होता है न्यू शादी होती है, तो हमारे साथ भी हुआ है। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, अभी हमारे दिन चले गए। अभी इन लोग की नवी शादी है, तो अब ये उसके पीछे बस फोटो वीडियो ही लेते रह जाता है। अशु ये पैसा है क्या? इसके जेब में पैसा है क्या? अल्लाह साफ कर रहा है, बाप रे बाप। अशु चीज नहीं करा, शानिश है वो। हाँ, हमारा खाना पीना स्टार्टर मेन कोर्स सब कुछ होने के बाद केक काटने वाले हैं। केक
क्लैप करो, क्लैप सब लोग। क्लैप करो। ये यस चाचानी को खिलाओ। यस मस्त है। यस बच्चे लोग का है, बच्चे लोग का है। क्या चल रहा है? उसको खिलाओ पहले, उसको खिलाओ। अंडा खिला अच्छे से, खिला के देते। छोर लोग देखो क्या कर रहे हैं। अरे मम्मी, अरे मम्मी, कौन मम्मी? अरे मैं भी मां हूं रे। आ तो तू आई नहीं, ये भी माँ है। अरे ये तो माँ है। माँ है। मैं कैसे माँ है? अच्छी बेबी की माँ। तू मेरे को बाद में खिलाना भला, कहा कैसे दोनों का नल्ला का मोबाइल तीन जन दी है। तीन ही है भाई। वो लग गया सु जाना। जावेद पांच मिनट में हम लोग उतर ही रहे नीचे, जल्दी जा। चलो ना उठो, उतरो नीचे। तो ये कश्मीरा ढाबा है और इसको ही लग के ये एक शिमला ढाबा है। दोनों भी एक ही ओनर का है बट दोनों अलग अलग है। ये शिमला है, वो कश्मीरा है, पर इसे भी रेनोवेट किया है और बहुत प्यारा लग रहा है ये भी। चलो ए चाली, चल रुक नहीं, चाल खड़े सब लोग खड़े। अरे पेंट ऊपर करेंगे, पेंट ऊपर करेंगे, खड़े चल जावे। चल अभी टाइम पास कर मत। तो ऐसे हमने ढाबे पर सेलिब्रेशन किया। अब हम निकल रहे हैं, ये रात के कुछ 3:15 कुछ हो रहे हैं और 4 बजे जावेद को और इनको पॉइंट पे पहुंचना है काम पर। तो वाहिद ने बहुत फास्ट भगा कर गाड़ी लेके आया। 1.5 घंटे का रास्ता था, 1 घंटे में हम लोग पहुंच गए पॉइंट पे अपने घर। और वहाँ से वो लोग दोनों अपने अपने जॉब पे चले गए। और यहाँ रास्ते में कोपर खेने में एक्सीडेंट हो गया था, 2 गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। एक ओला वाला था और एक प्राइवेट कार थी। तो प्राइवेट कार के तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर ओला कार एकदम पूरी पचक गई थी। शायद उसमें आग भी लगी होगी, इसलिए सीढ़ी बम्बा भी आके खड़ी है फायर ब्रिगेड। अब पता नहीं अंदर ड्राइवर का क्या हाल हुआ है, अल्लाह जाने। इतने रात को यही होता है, इतनी फास्ट में सब गाड़ियां इधर से उधर भाग कर आती है कि जान का भी नुकसान हो जाता है।
तो खैर आज के व्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।